दोस्तों मई 2019 इस महीने आपको इतने सारे स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा लिया जाए और कौन सा ना लिया जाए। मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 स्मार्टफोन्स के बारे में जो कि अगले महीने तहलका मचा सकते हैं। हालांकि फ़ोन तो और भी बहुत सारे आने हैं लेकिन मैंने यहाँ पर टॉप 10 स्मार्टफोन्स पिक किए हैं। ये सारे ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो कि आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे और गेम चेंजर भी बनेंगे अपने अपने प्राइस सेगमेंट में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं गिव अवे भी स्टार्ट हो चुका है। एक और दो प्रोडक्ट्स आप जीत सकते हैं, एक तो ये है वायरलेस ईयरबड्स, दूसरा ये है स्मार्ट LED बल्ब। इस बल्ब में कैमरा और माइक भी है। पार्टिसिपेट करना बहुत ही आसान है, एक वीडियो का आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, बस आपको उस वीडियो में एक कमेंट करना है और करना है वीडियो को शेयर, इतना ही करना है बस आपको। तो जल्दी से आप पार्टिसिपेट कर लो, जैसे ही उस वीडियो पे 80,000 व्यूज़ हो जाएंगे आपको इस गिव अवे का रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा जो पहला फ़ोन है उसको लेकर सबके मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बनी हुई है। यह है OnePlus की तरफ से फ्लैगशिप फ़ोन OnePlus 7 और OnePlus 7 Pro। इनमें आपको मिलेगा Snapdragon 855। ये जो दोनों फ़ोन आने वाले हैं OnePlus के, इनमें आपको ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो कि आपको आज तक OnePlus ने कभी नहीं दिए। बस देखना यह होगा प्राइस इनका कहाँ तक जाता है, क्योंकि आपको पता है OnePlus ने स्टार्ट किया था 19-20 हज़ार की रेंज से, अब उनका प्राइस कहाँ तक जा चुका है ये आप सब जानते हैं। देखते हैं आप OnePlus 7 और 7 Pro कहाँ तक प्राइस को लेकर जाते हैं। अब जो हमारा अगला फ़ोन है वो भी है एक फ्लैगशिप फ़ोन। आपको पता है जब भी OnePlus का कोई न्यू डिवाइस आता है तब उसको टक्कर देने के लिए Asus भी लॉन्च करता है अपना एक न्यू स्मार्टफोन। OnePlus 6 के टाइम आया था Asus Zenfone 5Z और अब OnePlus 7 के टाइम आने वाला है Asus Zenfone 6Z। ये फ़ोन भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, जो अभी इमेजेस सामने आई है उनको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये फ़ोन भी बनेगा इंडिया में गेम चेंजर। Asus Zenfone 5Z का प्राइस काफ़ी कम था OnePlus 6 के कंपैरिजन में, तो ऐसी पूरी उम्मीद है जो Asus का Zenfone 6Z आने वाला है उसका प्राइस भी काफ़ी कम रहेगा OnePlus 7 के कंपैरिजन में। यहाँ भी आपको मिलने वाला है Snapdragon 855। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है Asus की तरफ से। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आज हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स का, जल्दी से पूरा कर दीजिए। और दोस्तों आप देख रहे हो काफ़ी टाइम से ओनर भी शांत बैठा है, लेकिन आप ये मान सकते हो जो ये शांति है ये आने वाले तूफान से पहले की शांति भी हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ ओनर के भी कुछ स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। Realme 3 Pro से लेकर Note 7 Pro तक सबको टक्कर मिलेगी, और जो फ्लैगशिप फ़ोन आएगा OnePlus 7 उसको भी यहाँ पर टक्कर मिलने वाली है ओनर की तरफ से। अब देखना ही होगा क्या प्रोसेसर आते हैं ओनर की तरफ से और किस प्राइस पर हमें देखने को मिलता है। जैसे ही कुछ कन्फर्म होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। तो फ्लैगशिप फ़ोन बहुत सारे आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ Snapdragon 855 के साथ। तीन और फ्लैगशिप फ़ोन हैं, एक तो है Xiaomi की तरफ से ब्लैक शार्क 2। अब से पहले आपको पता है ये जो सीरीज़ है Xiaomi की ये सिर्फ चाइना में लॉन्च की जाती है, इंडिया में ये हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन इस बार जो ये ब्लैक शार्क 2 है ये इंडिया में भी आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद है ओप्पो की तरफ से ओप्पो रेनो, ये न्यू ब्रांड है ओप्पो का, ये सब ब्रांड है, इसकी तरफ से भी आपको एक फ्लैगशिप फ़ोन मिलेगा। चाइना में ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इंडिया में भी ये आपको काफ़ी अच्छी प्राइसिंग पे देखने को मिलेगा। यहाँ भी आपको मिलने वाला है Snapdragon 855। हमारा जो अगला फ़ोन है उसका वेट भी काफ़ी लोग कर रहे हैं, यह है Google की Pixel सीरीज Pixel 3a और Pixel 3a XL। इनका जो कैमरा होता है दोस्तों वो ज़बरदस्त होता है, सिंगल कैमरा होता है इनमें, लेकिन ये टक्कर दे देता है बड़े बड़े स्मार्टफोन्स को। इस बार अच्छी बात यह है कि आपको Google की तरफ से एक थोड़ा कम प्राइस का भी फ़ोन मिलने वाला है, जो कि आपको मुझे लगता है 25 से 30 हज़ार की रेंज में मिलेगा। अब देखते हैं उसमें क्या प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है, जैसे ही कुछ कंफर्म होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा इसके बारे में भी। बाकी दोस्तों नोकिया की तरफ से भी आपको एक धमाकेदार स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, इसका नाम होगा नोकिया 8.1 प्लस, चाइना में इसको बोला जाता है नोकिया X71। उम्मीद यही है कि इंडिया में इसका नाम 8.1 प्लस ही होगा, बाकी हम देखेंगे क्या होता है। इस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको दे दूंगा ऊपर कार्ड में, वो भी आप देख सकते हैं। इस फोन में आपको मिलेगा पंच होल डिस्प्ले ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ। मैं इस फोन को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्या आप भी एक्साइटेड हो कमेंट्स में बताना मुझे। अगर ये फ़ोन इंडिया में अच्छी प्राइसिंग पे आ जाता है, मतलब कि 15 से 20 हज़ार के बीच में ये फ़ोन अगर देखने को मिलता है, फिर ये फ़ोन इंडिया में तहलका मचा देगा। ये ऑनलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन रहेगा, ऑफलाइन ये आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसा मुझे लगता है, तभी इसकी प्राइसिंग थोड़ी कम हो सकती है इंडियन मार्केट में। बाकी अगर हम बात करते हैं सैमसंग के बारे में, तो सैमसंग का सैमसंग गलेक्सी A80 और A60 ये भी आपको इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। अब जो हमारा A80 है इसमें आपको पता है मिलता है स्लाइडिंग कैमरा प्लस रोटेटिंग कैमरा, जो रियर कैमरा है वही आपका रोटेट होकर बन जाता है फ्रंट कैमरा।
ये टेक्नोलॉजी मुझे ज़बरदस्त लगी है, वीडियो बनाने के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अब देखते हैं ये फ़ोन इंडिया में किस प्राइस पे आता है। यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का नया प्रोसेसर, आई थिंक स्नैपड्रैगन 715, और जो सैमसंग गैलेक्सी A60 है यहाँ पर आपको मिलता है 675 स्नैपड्रैगन का। ये आपको मिलेगा 20,000-22,000 की रेंज में। ये फ़ोन भी गेम चेंजर बनेगा इंडियन मार्केट में अगर ये इसी प्राइस पे आता है तो, बाकी हम देखेंगे आने वाले टाइम में। तीन फ़ोन और मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको मिलेंगे कम प्राइस पे। इन तीनों में से पहला फ़ोन है Redmi 7A, ये आपको मिलने वाला है 5,000-6,000 की रेंज में। मेरे अकॉर्डिंग ये आपको इसी प्राइस पे मिलेगा। Redmi 7 आपको बताया ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जो कि मुझे प्राइस के हिसाब से उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा और एक्सपेंड करोगे तो आप Realme 3 भी ले सकते हो, जो कि हर तरफ से बेटर है Redmi 7 के कंपैरिजन में। हमारा अगला फ़ोन है Realme की तरफ से Realme U2, ये भी आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट मंथ। एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है Realme का, उसमें हो सकता है ये फ़ोन लॉन्च कर दिया जाए। ये एक सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन रहेगा जो कि टक्कर देगा Redmi Y3 को। मुझे लगता है बहुत ही आसानी से ये टक्कर दे देगा Redmi Y3 को, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आपको इस फ़ोन में मिलने वाला है MediaTek Helio P90, और Redmi Y3 में आपको मिलता है Snapdragon 632। यहाँ भी आपको फ्रंट कैमरा मिल सकता है Realme U2 में 32 मेगापिक्सल का। वेट करते हैं इसका और देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है। अगला फ़ोन है Redmi का फ्लैगशिप फ़ोन, इसके काफ़ी रूमर सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता ये फ़ोन कब लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट मंथ ये फ़ोन आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ के एंड में ये फ़ोन आपको चाइना में देखने को मिल जाए। इंडिया में ये फ़ोन मेरे अकॉर्डिंग जून से पहले आना मुश्किल है, बाकी देखेंगे हम क्या होगा। ये भी आपको काफ़ी अच्छी प्राइसिंग पे मिलेगा, और इसमें भी आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 855, पोको F2 की तरह ये आपको मिलेगा अच्छी प्राइसिंग पे। अब पोको F2 भी हम देखेंगे क्या उसका होता है, उसको लेकर अभी कोई भी स्ट्रॉन्ग रूमर सामने नहीं आए हैं, उसके लिए हम थोड़ा अभी वेट करते हैं। तो ये थे कुछ स्मार्टफोन जो कि आपको मई में देखने को मिलने वाले हैं। अब आप बताओ मुझे कमेंट्स में आप इनमें से किस फ़ोन का वेट कर रहे हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।